Hello everyone, today I'm going to share some important points that you need to follow whenever you are going to submit your claim for India Book of Records. Firstly, आप India Book of Records की official website पे जाएंगे, apply record पे click करेंगे. After that, अपनी personal details fill करेंगे and there is also a description box जिसमें आपको complete description लिखना होता है अपने claim का, जिसके लिए आप record apply करना चाहते हैं. After that, अपनी application को आप submit कर देंगे. Once you have submitted your application, within 7 working days, India Book of Record अपनी official email ID से आपको mail करेंगे, either you are eligible for a record or not. Once you have eligible for a record, they will ask you to submit the evidences. So, जब आप अपने evidences prepare कर रहे हैं, some things you have to keep in mind. The first thing, always use tripods, because moving and shaky videos are not at all allowed by India Book of Records. Second thing, video should be of HD quality. आपका video बिल्कुल clear होना चाहिए, back prompting नहीं होनी चाहिए, background से कोई disturbance create नहीं होना चाहिए and video should be in horizontal format only. जब आप video बना रहे हैं तो lighting condition बिल्कुल proper होनी चाहिए and बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप अपने बच्चे को force कर रहे हैं कोई activity करने के लिए. एंड अगर आप कोई स्लाइड्स या फ्लैश कार्ड्स यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर दे शुड नॉट मेंशन द ऑब्जेक्ट नेम्स, बिकॉज इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड कभी भी अप्रूव नहीं करता है अगर आपके स्लाइड्स या फ्लैश कार्ड्स पे ऑब्जेक्ट नेम मेंशन है. आपको वीडियो फिर से सबमिट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू कीप इन माइंड देयर शुड नॉट बी ऑफ ऑब्जेक्ट नेम्स. Other than this, you have to submit applicant's birth certificate and Aadhaar card. And in case आपके पास अपने बच्चे का आधार कार्ड नहीं है, तो आप पेरेंट का आधार कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं as a address proof. And after submitting all the evidences, IVR team will inspect all the evidences and will revert you back within 7 working days. And in case आपके किसी एविडेंस में कोई मिस्टेक रह जाती है या आपको कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं, दे विल मेल यू कि आप ये रीसेंड कीजिए या ये मिस्टेक है उसको करेक्ट कीजिए. एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग ऑल द एविडेंसेस, दे विल सेंड यू अ कन्फर्मेशन मेल लाइक नाउ यू आर अ ऑफिशियल रिकॉर्ड होल्डर इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. Once you have received IVR Achievers Pack, you have to submit a gallery picture of applicant within 2 working days. So, जब आप picture click कर रहे हैं, you have to keep in mind कि जो text लिखा है certificate पे, वो clearly mention हो. अगर आपकी picture clear नहीं है, तो वो उसे website पे upload नहीं करेंगे. That's why वो mail में भी mention करते हैं कि जब आप picture click कर रहे हैं, तो camera should be of 13 megapixel or more than this. तो पिक्चर क्लिक करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, सर्टिफिकेट का टेक्स्ट क्लियरली विजिबल होना चाहिए, तभी वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे अपलोड करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. अगर आप अपना क्लेम सबमिट करना चाहते हैं फॉर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑलरेडी आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने एविडेंसेस प्रिपेयर करने हैं, ताकि आपको रिकॉर्ड होल्डर बनने में ज़्यादा डिले ना हो. बिकॉज अगर आप अपने किसी बच्चे का रिकॉर्ड सबमिट कर रहे हैं या क्लेम सबमिट कर रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि वीडियोस पहले से बना के रख लीजिए. आफ्टर दैट आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए. बिकॉज वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन, तो विद इन 7 वर्किंग डेज आपको एविडेंसेस भी सबमिट करने होते हैं. और छोटे बच्चे के साथ कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि वो उस टाइम वीडियो नहीं बनाना चाहता है या नहीं बताना चाहता है, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि 7 डेज के अंदर आपको कंप्लीट वीडियो एविडेंसेस सबमिट करने हैं. सो आप पहले से प्रिपेयर रहिए, अपने वीडियोस पहले से बना लीजिए एंड आफ्टर दैट आप एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए. और जैसे ही वो एविडेंसेस आपसे मांगते हैं, तब अगर आपको थोड़ी बहुत कुछ एडिटिंग करनी है अपने वीडियोस में, तो आप वो एडिटिंग कर लीजिए एंड देन यू कैन सबमिट द एविडेंसेस टू इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड. बिकॉज अगर आप विद इन 7 वर्किंग डेज में अपने एविडेंसेस सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस आपको फिर से नया एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है, और वो जो एप्लीकेशन आपने प्रीवियसली सबमिट किया था, वो वहीं क्लोज हो जाता है, बिकॉज आप 7 वर्किंग डेज में एविडेंसेस सबमिट नहीं कर पाए हैं. So this is about the whole process. If you have any doubt, to aap comment section mein pooch sakte hain. I'll reply you for sure. And if you like my channel, so subscribe it, like it and share it. Thank you. All the best. Bye-bye.